मेरे पास लोगों ने सामान लगा हुआ है। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पहाड़ों में चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और अच्छी सी धूप खिली हुई है, अच्छा सा मौसम हो रखा है। वैसे तो रात को बारिश आ रही थी लेकिन अभी मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। और अभी मैंने ना घर के थोड़े बहुत कामकाज निपटा दिए हैं और हमारा नाश्ता भी हो गया है और अब मेरी ड्यूटी है पानी भरने की। वैसे तो काना का काम रहता है पानी भरने का, लेकिन सुबह पानी जल्दी नहीं आता है जिसके कारण ना मुझे भरना पड़ता है। बाकी जल्दी जल्दी पानी भरती हूँ। हमारी पानी की टंकी ना आधा हो रखी है और मुझे पानी की टंकी भरनी है और बाकी मुझे ना कॉलेज भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए ना। हमने पक्षियों से मुंगरी का बचाव कुछ इस तरह से कर रखा है। हमने ना मुंगरी में पन्नी रखी हुई है जिससे कि पक्षियाँ ना मुंगरी को ना खाए। आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, धूप भी लगी हुई है, पहाड़ों में कोहरा भी लगा हुआ है और यहाँ पर ना माने इस बर्तन में गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं। कि दोस्तों यहाँ पर ना दादी कंडी की लिपाई करी है गोबर और मिट्टी से। बहुत पना करना जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। और आज ना मेरे पास लोगों ने सामान भी दिया है, इसको मैंने अगस्त्य मुनि मार्केट तक ले जाना है और तब लोग अपने सामान को लेने आ जाएंगे। बाकी चलती हूँ दोस्तों कॉलेज की ओर। हम लोग ना अपने गांव से नीचे आ गए हैं दोस्तों और नीचे खेतों में ना लोग धान की लवाई कर रहे हैं और पराव को सुखाने के लिए डाल रहे हैं। लोग आजकल ना दोस्तों धान की लवाई मंडाई पर लगे हुए हैं जोरों शोरों से। फाइनली दोस्तों हम लोग ना चंद्रापुरी मार्केट में पहुंचने वाले हैं और आज भी ना हम लोगों को देर हो गई है। इनके 1 बज रहे हैं दोस्तों और हम लोग ना कॉलेज से घर जा रहे हैं और दोला रूट ना बहुत ऊपर आ गए हैं वाले हैं दोस्तों। और मैं ना घर पहुंच गई हूं और हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब खाना खाती हूं। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं दोस्तों और यहां पर ना चाची ना गेहूं साफ कर रही हैं। गौशाला से घर आ गई है और गौशाला से ना मुंगरी करेले लाल मिर्च और लौकी और मूली लेके आई है। और लौकी ना हमको लोगों ने दी है और मूली हमारे हो रखी थी और मुंगरी भी। आज के रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी, तो लौकी की सब्जी मैंने यहाँ पर काट दी है और आग भी जल चुकी है और हम ना मुंगरी भी पकाएंगे अभी। मैं खाने के लिए कुछ लेके आई हूँ, ले लोड़ी। और ये ना पता नहीं अपना फेस क्यों छुपा रही है, ले ले ले। पकड़। बाकी मेरे लिए भी माँ ने मुंगरी पका दी है और अब मैं भी मुंगरी खाती हूँ। दोस्तों 9 बजने वाले हैं और हमारा ना रात का खाना हो गया है, तो मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देवभूमि उत्तराखंड।